सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो अभी आपने देखा होगा पहला पार्ट इस वीडियो का, टाइप ऑफ रिएक्शन में, जिसमें मैंने सारे एडिशन रिएक्शन कवर किए हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से कवर हो गए एडिशन रिएक्शन में? आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है, और एस्टरीफिकेशन आपका एग्जांपल है एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों का। ठीक है, तो अभी एस्टरीफिकेशन भी आपका सब्स्टिट्यूशन में भी आएगा, तो अभी हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो वाली वीडियो मैंने लगभग ज़्यादा लंबी बन रही थी तो उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो इशू मेरे को आते हैं, पहला तो फ़ोन हीटिंग का, दूसरा फैन बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि माइक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और अभी एक कमेंट आया था कि माइक उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है अभी जैसे चल रहा है चलने देते हैं, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने पूरा समराइज किया है एनसीईआरटी से, तो आप देखोगे यहाँ पे नोट्स के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्ट आप साथ साथ देख लो जल्दी से। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन उसने पढ़ाया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एल्केन। ठीक है, जैसे कि ये आपका एल्केन है, तो एल्केन पे ये जो क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन एक हट रहा है और यहाँ पे क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे कि आपका ये भी आपका हाइड्रोकार्बन ही हुआ, टॉलविन, कोई स्पेशल ग्रुप नहीं है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप ही लगा हुआ है, तो इसका जो रिएक्शन एक यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब कि हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क, डार्क मतलब समय पे उसको डार्क में उसको रिएक्शन करा रहे हैं हैलोजन। और आयरन क्यों लेते हैं, तो आयरन हैलोजन करियर होता है। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया है, जब वहाँ पे आप बेंजीन पे ब्रोमीन का एडिशन करा रहे थे तो वो नहीं हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन करियर लाइक FeCl3, लेकिन जब आप फेनॉल वगैरह पे करा रहे थे तो आपका हो जा रहा था। अभी आपको आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो समझ में आएगा, वो दिखेगा रिएक्शन मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजन का एडिशन करा रहे हैं हम, किस पे? हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं किस पे? रिंग पे करा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है हैलोजन करियर के प्रेजेंस में, तो ये भी आपका क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, किस पे? रिंग पे। अभी ये सारा अच्छे से डिस्कस होगा, ये रिएक्शन फिर से आपको दिखेगा। ठीक है, और यहीं पे एक चीज़ एनसीईआरटी लिखती है, जब ये आपको पढ़ाता है एनसीईआरटी, जब आपको ये रिएक्शन पढ़ाता है तो वहीं पे एक चीज़ लिखता है कि रिएक्शन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल। जब आप हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ तो सही से ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, आपको आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एफ ए डार्क लोगे, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए आप इसको नाइट्रिक एसिड या HIO4 मतलब कि पर आयोडिक एसिड बोलेंगे ना, हाँ, इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे, जब ये रिएक्शन पढ़ाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो ये भी बताता है कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, इसलिए फ्लोरो कंपाउंड इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जैसे बेंजीन के ऊपर आपको फ्लोरीन लगाना है, बेंजीन के ऊपर यदि आपको फ्लोरीन लगाना है, तो आप फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन करियर लाइक आयरन या FeCl3 नहीं ले सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, तो रिएक्शन आपका मतलब कि विग्रस हो जाएगा, या फिर रिएक्शन वो क्या बोलते हैं, काफ़ी मतलब कि खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा यार। ठीक है, तो बल्कि इसको आगे समझाया कि जैसे ये सब जो है फ्लोरिनेशन वगैरह ये सब करने के लिए बेंजीन के ऊपर यदि हमको फ्लोरिनेट करना है, जैसे मान लो आपको फ्लोरो बेंजीन बनाना है, तो आगे आपको मिलेगा कि ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन से ऐड नहीं करते हैं, इसको ऐड करने के लिए हम डाइएजोटाइजेशन करके तब HBF4 से रिएक्शन कराते हैं, तो फ्लोरिन को ऐड करते हैं। ठीक है, आगे आपको मिलेगा अभी। अब यहाँ से दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी बातें हो गई। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि जैसे कि मान लो आपका सब्स्टिट्यूशन आ गया, देखो सब्स्टिट्यूशन देता कौन है, तो जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके कौन देते हैं, तो आपके एल्काइल हैलाइड देते हैं, कई बार चिल्ला के बताया हूँ, एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। जैसे ये एल्काइल हैलाइड है आपके पास, तो इसमें कार्बन के पास क्या है, हैलोजन इस तरफ अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखेगा कौन, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और ये इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा कार्बन हैलोजन का, हैलोजन बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब जैसे ही इसने एल्काइल हैलाइड को मैं डिस्कस करता हूँ, तो वहाँ पे तुरंत बताता हूँ कि जो आपके एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हैलोजन का, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये बहुत मतलब कि ये बॉन्ड टूटता नहीं है जल्दी, ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। इसके चार रीजन एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, जो कि आपसे स्टेटमेंट वगैरह में पूछे जा सकते हैं। इसके चार रीजन क्या है कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी वजह से इसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, देन कंपेरिजन टू sp3 कार्बन, जो कि ये लोग sp3 कार्बन है। ठीक है, तो इसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये अच्छा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अच्छा बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। दूसरा, ये हैलोजन के जो इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में है, रेजोनेंस में है, तो इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता है। तीसरा रिएक्शन, यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका फिनाइल कैटायन बनेगा, फिनाइल कैटायन बनेगा जो कि शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो ना ये कार्बोकैटायन बनना चाहेगा ना ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, चौथा रिएक्शन ये दिया, चौथा रीजन ये दिया हुआ है, एक और रीजन दिया हुआ है, एक और रीजन दिया हुआ है। ठीक है, अभी बुक खोलेंगे तो चारों रीजन हम लोग देख लेंगे। तो बल्कि आपको इतना तो पता है कि बेंजीन रिंग हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, तो बेंजीन के ऊपर ESR हो जाएगा इन पोजीशन पे। तो जो एराइल हैलाइड है वो NSR नहीं देते हैं, जबकि वो प्रेफर करते हैं ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पे देने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया। इसके बाद आपके जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होती है तो अब SN1 और SN2 की बात होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2, इन दोनों की बात होती है। अब इन दोनों का चर्चा मैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलिमिनेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से किया हूं। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि SN1 SN2 में कैसे डिफरेंशिएट करें, E1 E2 में कैसे करें, SN1 E1 में कैसे करें, SN2 E2 में कैसे करें, कब सॉल्वेंट है, कब बेस है, ठीक है, कब बल्की बेस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हो। SN1 SN2 में कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि SN1 जो है डबल स्टेप होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, प्रोडक्ट मतलब कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा जल्दी SN1 देगा सेकेंडरी, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये सब चीज़ें। उसके बाद SN2 अच्छे से डिस्कस किया हुआ कि SN2 जब भी होगा तो वहाँ पे स्टेरिक रीजन होगा, क्योंकि एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक साइड से बॉन्ड टूटेगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पीछे से अटैक करने के लिए यहाँ पे स्टेरिक रीजन होता है, तो जहाँ ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, तो टर्शियरी वाला ज़्यादा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वो ज़्यादा अच्छा SN2 नहीं देगा, तो प्राइमरी ज्यादा अच्छा, उसके पास कम हिंड्रेंस है तो वो ज्यादा अच्छा SN2 देगा, तो प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी, ये सारी चीजें अच्छे से वहां पे डिस्कस की हुई है मैंने। ठीक है, उसके अलावा कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे SN1 E1 SN2 E2 ये सारी चीजें अच्छे से बताई हुई है वहां पे, तो ये चीजें यहां पे खत्म करता हूं। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद अभी जो जस्ट पहले वाले वीडियो आप यदि देख के आए हो तो अभी तुरंत जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो जैसे कि आपके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यहाँ पे एडिशन नहीं होता है, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है तो ये OH का बॉन्ड इधर से खुल जाता है, ठीक है, और ये OH निकल जाता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और उधर से OH निकल जा रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूशन है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो एसिड क्लोराइड होते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो आपके एल्डिहाइड होते हैं जो आपके कीटोन होते हैं, ये लोग क्या देते हैं, ये लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अच्छे से आपको एडिशन रिएक्शन में समझाई मैंने, तो जैसे आपका यहाँ पे एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पर हम PCl5 से एक्ट कराएंगे तो क्लोरीन आएगा, इस OH को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, PCl3 से भी करेंगे तो क्लोरीन आएगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। SOCl2 से भी करेंगे तब भी ये आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप PCl5 से कराते हो तो PuCl3 बनता है, ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको याद करने हैं। ठीक, ज़्यादा जगह पे नहीं, कम ही जगह पे आपको बाई प्रोडक्ट याद करने होते हैं। एक तो जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप क्यूमीन में जब आप हवा पानी डालते हो, O2 डालते हो, तो क्यूमिन परऑक्साइड बनता है। फिर जब आप उसमें पानी डालते हो, जब आप क्यूमिन में हवा पानी डालते हो तो आपका फेनॉल का प्रिपरेशन होता है, उसके अलावा आपको एसीटोन मिलता है। ठीक, तो ये बाई प्रोडक्ट आपको याद करना होता है। उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आप PCl5 PCl3 से कराते हो तो आपको यहाँ पे भी प्रोडक्ट याद रखना होता है। ठीक है, तो ये जो आपका PuCl3 है, ये जो आपका PCl5 से कराओगे PuCl3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, यहाँ भी ये +5 में है, यहाँ भी ये +5 में ही रहेगा। PCl3 से कराते हो तो यहाँ भी +3 में है और S3PO3 बनेगा, ये भी +3 में रहेगा। SO2Cl2 जब कराते हो तो आपको बाई प्रोडक्ट में SO2 मिलता है और HCl मिलता है। और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पूछ सकता है असर्शन रीजन या स्टेटमेंट में कि ये रिएक्शन ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्लोरीनेशन कराने के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्लोरीनेशन, आपको चाहे एसिड पे कराना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये असर्शन रीजन में अच्छे से पूछ सकता है कि ये वाला रिएक्शन हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये रिएक्शन प्रेफरेबल है क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है SO2, वो गैस है, तो वो रिएक्शन मिक्सचर से इवेपोरेट हो जाता है, तो हमको काफ़ी प्योर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके सिलेबस में जितना है, जितना आपको पढ़ना है कि एल्काइल हैलाइड NSR देते हैं, ठीक है, एराइल हैलाइड NSR नहीं देते हैं, और उसके एल्काइल हैलाइड के अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड हैं, ये लोग NSR देते हैं। ठीक है, इसके अलावा
इस्टरीफिकेशन वही आता है जो कि मैंने एडिशन रिएक्शन में अच्छे से डिस्कस कर दी थी कि इस्टरीफिकेशन में जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या होगा, NSR होगा, ठीक है। तो इस्टरीफिकेशन में NSR ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, ठीक है। तो इस्टरीफिकेशन आप पिछले वाले वीडियो में देखो, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पिरिडीन लेते हैं क्योंकि HCl बनता है, इसलिए रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए। बाकी ये दोनों रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के फॉर्म प्रेजेंस में कराई जाती है। तो ये आपसे स्टेटमेंट में या असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि इस्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एंड एनहाइड्राइड रिक्वायर एसिडिक मीडिया, वाइल विथ एसिड क्लोराइड इट रिक्वायर बेसिक मीडिया लाइक पिरिडीन, ठीक। क्यों पिरिडीन यूज करते हैं, तो इसका आप रीजन ये बताओगे, असर्शन रीजन में रीजन ये बताओगे कि पिरिडीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बाई प्रोडक्ट में HCl बनता है, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, ठीक है। तो यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है। अब ESR शुरू करेंगे जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके पहले आते हैं हम अपने PDF पे, मतलब अपने NCERT पे, है ना। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्किन, इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया है यही कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, कहीं पे तो लिखा होगा न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिव हेलोएल्किन, ठीक है। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड हेलोजन एटम चला गया, कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है किस पे, एल्काइल हैलाइड पे। अब जब आप ये रिएक्शन पढ़ते हो तो इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जब आप KCN यूज करोगे, जैसे कि आपको मान लो एल्काइल हैलाइड है आपके पास RCH2Cl, ठीक है। यदि आप इस पे KCN यूज करते हो तो यहाँ पे CN लगता है, RCH2CN, ठीक है। जबकि आप यदि AgCN यूज करते हो तो यहाँ पे लगता है RCH2NC, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होता है। इसके अलावा यदि आप RCH2Cl पे KNO2 यूज करते हो तो उल्टा इसी का हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो KNO2 पोटेशियम के साथ NO2 यूज करते हो तो RCH2ONO लगेगा, ठीक है। और यदि आप AgNO2 यूज करते हो तो RCH2NO2 बनेगा, ठीक है, उल्टा बनता है, ठीक है, पोटेशियम वाले का। तो आप इसको याद रखो कि KCN, अब इसको कैसे याद रखोगे, इसका रीजन भी NCERT में आगे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मैंने अभी नहीं लिया है पेज, ठीक है। तो क्या है कि इसमें वही दिया हुआ है कि जब आप KCN से यूज करते हो तो ये K+ और CN- में टूट जाता है। तो ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इसके पास डेल्टा पॉजिटिव है। जबकि जब आप AgCN लेते हो तो ये कोवेलेंट है, तो ये टूटता नहीं है, तो ये AgCN के फॉर्म में ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। और इस नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐड होगा, जब ये जाके ऐड होगा तब ये AgCN का बॉन्ड टूटेगा, तो आपका NC8 होता है। एक बार बना के देखो, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। तो आपको ये दोनों रिएक्शन अच्छे से याद होने चाहिए जब आपको मैं पढ़ाऊं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वही लिखा है कि एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके चार कारण दिए हुए, पहला एक रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है जिससे इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो टूटना नहीं चाहेगा। दूसरा रीजन इसने दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे इस कार्बन का sp2 है जिसकी वजह से इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कि एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा है कार्बन की, तो वो बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनाएगा, तो ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा। तीसरी बात इसने बताई है कि इस रिएक्शन में यदि क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे फेनाइल कैटायन बनेगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, तो ये बनना नहीं चाहेगा, तो वो बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा। चौथा ये दिया है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिएक्शन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रिच एरिन। चौथा वही रिएक्शन दिया है कि जैसे बेंजीन का मैं बताता हूँ बार बार कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बेंजीन फ्लेरल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर और उसके नीचे इलेक्ट्रॉन का एक अच्छा खासा क्लाउड है, तो पूरा निगेटिव चार्ज का बेंजीन के ऊपर नीचे क्लाउड है, उस क्लाउड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं सकता, तो ना ऐड होगा ना सब्स्टिट्यूट होगा करेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं सकता। ये चौथा रीजन है, तो ये चारों रीजन आपको AGTs याद रखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जहां पे ये चीज पढ़ा है वहां पे बताया है कि ठीक है ये बॉन्ड टूटता नहीं है, लेकिन नाम तो नहीं दिया, लेकिन टेस्ट वाले पता नहीं किस मन से पूछ लेते हैं, तो यहां पे एडिशन एलिमिनेशन होता है और यहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, बहुत ही विग्रस, बहुत ही मतलब
बहुत ही हार्ड सिचुएशन में इसको कराते हैं, जैसे कि आप 623 केल्विन लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो ना, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस 300 एटीएम प्रेशर पे इस रिएक्शन को कराओगे तो क्लोरीन OH से सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। 400 डिग्री सेल्सियस आप समझ रहे हो कितना है, जैसे कि आपका कोई घर में जो गैस बर्नर होता है उससे जो फ्लेम निकलती है वो लगभग 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो उतना हीट करते हैं। ठीक है, कभी आप बर्नर पे हाथ रख के चेक मत करना कि वो कितना हीट होता है, बहुत हीट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसने यही सब चीज़ें बताई हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिलोकलाइज कर देगा, तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो 443 केल्विन पे ही हो जा रहा है नॉर्मल एटीएम प्रेशर पे, 1 एटीएम पे। ठीक है, यदि दो ग्रुप NO2 के लगे हैं तो 368 केल्विन पे हो जा रहा है बिना नॉर्मल मतलब प्रेशर पे। ठीक है, इसके अलावा एक अगले पेज पे और दिया है कि यदि तीनों जगह पे NO2 लगा होगा तो सिर्फ गर्म वार्म वाटर से ही गर्म करने पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, किससे? OH से। ठीक है, तो ये इसको आप NSR में मत रखना, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि रिंग जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, एल्काइल हैलाइड देता है, एल्काइल हैलाइड NSR देता है, एराइल हैलाइड NSR नहीं देता है। ये चीज़ें अभी मैंने बताई, तो इसको आप NSR मत समझना, ये एडिशन एलिमिनेशन है, इसका अलग मैकेनिज्म है प्रोसीड करने का। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जो मतलब कि बहुत मतलब काफ़ी जगह से कलेक्ट करना पड़ा था जिस टॉपिक को, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इसका तो पहले मैं थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं। तो जैसे कि बेंजीन ही देता है आपका क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, होता क्या है कि इसके पास अब देखो हाइड्रोजन है ही अच्छा खासा। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है बेंजीन के पास, जो कि आप बनाना भूल जाते हो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बेंजीन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो आप गिनते हो 6 सिग्मा 3 पाई और ये 6 सिग्मा भूल जाते हो। ठीक है, तो बेंजीन के पास ये हाइड्रोजन तो है ही, तो जैसे कि जब भी आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो यहाँ पे आया अटैक किया। ठीक है, कार्बन पे वो आया, कार्बन पे अटैक किया तो बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। एक सेकेंड, कलर ये मैंने ब्लैक से बनाया है। ठीक है, इस पे आके आपका ऐड होता है कौन सा, इस पे आके ऐड होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही, बाकी हाइड्रोजन अभी मैं नहीं शो कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ से एक बॉन्ड गायब है क्योंकि उसी पे अभी इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ है उसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूज करके। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से एच प्लस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक, जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक सेकेंड, जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये वाला जो ये जो इलेक्ट्रॉन का सेट था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे वापस से रिंग में चला जाएगा और रिंग की इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, रिंग के पास सारे इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में निकल गया। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से एच माइनस निकलता है या एच प्लस निकलता है या हाइड्रोजन निकलता है, तो एच प्लस निकलता है। ठीक है, बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैं मैकेनिज्म क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे जो एड होगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी तक आप क्लोरीन को सिर्फ सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस इन सब के फॉर्मेट में देख रहे थे, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो एडिशन होंगे वो क्लोरोनियम ब्रोमोनियम इन सब के फॉर्मेट में एडिशन होंगे। शायद आयोडिनेशन भी इस तरीके से नहीं करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, उसको भी डाइजोटाइजेशन से डाइजोनियम साल्ट बना के फिर उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, क्या उसमें ऐड करते हैं आपका KI पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो डाइजोटाइजेशन में वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो जब भी नाइट्रेशन होगा तो ये आएगा NO2+ के फॉर्म में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, जैसे कि आप बेंजीन के ऊपर CH3 ऐड कर रहे हो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये CH3+ के फॉर्म में आएगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, जब जैसे कि मान लो आप RCOCl से रिएक्शन करा रहे हो, तो RCO ये इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। ठीक है, ये RCO के फॉर्म में आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है। थोड़ा सा इधर बनाऊँ, ये RCO के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटैक कर देगा किस पे, बेंजीन पे, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके बाद सल्फोनेशन में आप SO3+ बना सकते हो, जैसे NO2+ बनाया वैसे SO3+ नहीं, सल्फोनेशन में ये SO3 के फॉर्मेट में आता है। ठीक है, क्योंकि आप यदि SO3 को देखोगे तो ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सल्फर के ऊपर भी अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये SO3 के फॉर्मेट में आता है। हैलोजिनेशन में आपके हैलोजन्स जो हैं वो हेलोनियम आयन के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, इस फॉर्मेट में आते हैं। ठीक, बाकी आप
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो, बेंजीन के ऊपर फ्लोरिन नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्लोरिन काफ़ी रिएक्टिव है तो रिएक्शन आपकी विग्रस हो सकती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए कि किस केस में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है। इसके बाद हेलोजिनेशन की यदि हम बात करें तो आपको देखो अब आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रिएक्शन है जो आपको इस तरीके से किसी ने नहीं बताए हैं। तो आपका जो RTR है, रीमर टीमन रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। होता क्या है, मैंने कई बार बताया है कि जैसे कि आपका बेंजीन है, बेंजीन काफ़ी खुश बंदा है, काफ़ी स्टेबल बंदा है, ठीक, लेकिन ये कम रिएक्टिव है ना, ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है, अच्छे से डिस्कस हुआ है कि MnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जबकि इसका एक रिएक्शन है V2O5 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पे एनहाइड्राइड बनाता है, ठीक है। तो बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, बेंजीन मतलब रिएक्टिव नहीं है, काफ़ी खुश है, उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है, ESR देता है, ठीक है। तो फेनॉल के केस में क्या है, फेनॉल अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में दे रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही वजह से उसी को तो देख के कोई भी पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा। तो ये बेंजीन है, बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो आपका फेनॉक्साइड आयन है ये और ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। मान लो यदि आप फेनॉल में बेस थोड़ा सा यूज कर लेते हो तो वो फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या है, बेस इसका हाइड्रोजन खा जाएगा, पानी वाटर बन जाएगा, ठीक है, तो ये इसको फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि और भी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा ये रिंग में बढ़ा देगा, ठीक। तो अब ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव फेनॉक्साइड आयन में, यदि आप कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि CO2 भी ऐड करते हो, CO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, खोल के देखो C(O) स्ट्रक्चर खोलो, देखो ऑक्सीजन इधर इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये यहाँ पे C(OH) ऐड करा दे रहा है, और ये क्या है, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, और ये कोलबे रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। और ये CO2 वाला आप एक जगह और पढ़ते हो, याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में आप RMGX का रिएक्शन कराते थे CO2 से, RMGX का रिएक्शन कराते थे CO2 से, तो ये R माइनस, मैं अभी बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R- के फॉर्मेट में निकलता है और इस पर आके अटैक करता था, और इससे अपना वो बनता था RC(OH), ठीक, एसिड का प्रिपरेशन है ये, वहाँ पे देखना है, ठीक। इसके अलावा जो आपका RTR है, रीमर टीमन रिएक्शन, इसमें भी वही कहानी है कि आप NaOH डाले तो ये ऑक्सीजन मतलब फेनॉल जो था वो फेनॉक्साइड के फॉर्म में आ गया, और ये CCl3 जो है, और आप इसमें NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CCl3 यूज किए, तो यहाँ पे CHCl2 ऐड हो गया, ठीक है, ये CHCl2 ऐड हो गया, जो कि वाटर से हाइड्रोलाइज करने पे आपका CHO दे देता है, ये आपका क्या है, सैलिसल डिहाइड है, ठीक है, ये आपका सैलिसल डिहाइड है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एग्जांपल हैं। यदि आपसे पूछ ले कि कोलबे रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ NSR, ESR, EAR, NAR, तो आप ESR बताओगे, ठीक है, और वही चीज़ RTR के साथ, रीमर टीमन रिएक्शन के साथ भी आप बताओगे, ठीक है। इसके बाद आपके सारे चैप्टर्स में जो हर जगह पे, मतलब चाहे आप एल्काइल हैलाइड में पढ़ो, तो जब आप उसमें एराइल पढ़ोगे, एराइल हैलाइड्स के बारे में, तो उसमें रिंग ESR देगा, ठीक है। एल्डिहाइड पढ़ोगे तो उसमें जो बेंजीन का रिंग होगा वो ESR देगा, एल्डिहाइड कीटोन वाले में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, बेंजीन के ऊपर CHO लगाओ, बेंजीन के ऊपर COCH3 लगाओ, बेंजीन के ऊपर C(OH) लगाओ, बेंजीन के ऊपर OH लगाओ, अल्कोहल फेनॉल वाले में बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाओ, बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ, बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगाए, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स में आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स में दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जॉब है कि आपको, मैं कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे मैं सारे चैप्टर से ESR को एक जगह कर दे रहा हूँ, रिंग पे ही ESR होगा, ग्रुप जो रहेगा जो आपका बेंजीन रिंग है उसी पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और उस पे मान लो कोई CHO है, COOH है, OCH3 है, ठीक है, NH2 है, ये सारे ग्रुप इसी पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ये सारे ग्रुप ही डिसाइड करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे कराना है कि मेटा पोजीशन पे कराना है। तो डायरेक्ट जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। तो जैसे मैं थोड़ा सा बताऊँ, इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर्स की बात करूँ, तो जैसे कि आपको ज़्यादा नहीं, NCERT में जितना दिया हुआ है उतना याद होना चाहिए, कि जैसे कि मान लो आपके बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर कीटोन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये आपके मेटा डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके मेटा डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा NO2 है, ठीक है, CN है, साइनाइड है, SO3H है, ये आपके क्या हैं, मेटा डायरेक्टर्स, ठीक। और आपको आर्थो पैरा डायरेक्टर्स में क्या याद रखने हैं, कि जैसे मान लो आपके पास NH2 है, ठीक है, अब NH2 है तो इसके साथ NHR है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के आपने R लगा दिया, ठीक है, अरे NH2 था, एक हाइड्रोजन हटाया, NHR, ठीक। इसके अलावा NHR है, इसके बाद N
इसके बाद NCOCH3 है, ठीक है, NCOCH3 है, इसके अलावा OCH3 है, इसके अलावा CH3 है, डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप लगा है, ये लगा है, इसके अलावा हेलोजन्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कुछ नहीं जानना है। अब आपको मैं ESR समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन तो बेंजीन पे आपको मान लो ब्रोमीन वाटर ऐड करते हो, तो बेंजीन काफ़ी खुश बनता है, वो ब्रोमीन वाटर उस पर ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब यदि हेलोजन करियर आप यूज करते हो, ये अच्छे से डिस्कस हो चुके हैं शायद तीसरे या चौथे पार्ट ऑफ सिमिलर लुकिंग रिएक्शन वाले में, तो इसको ब्रोमीन को आप यदि हेलोजन करियर के बेंजीन पे यदि आप हेलोजन करियर के साथ उसका हेलोजिनेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराते हो, तो ये ब्रोमीन ब्रोमिनियम के आयन Br+ के फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराएगा और ब्रोमीन के ऊपर Br लग जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फेनॉल है, तो फेनॉल रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का रिंग पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, झमाझम अटैक करेगा, एकदम मजे से अटैक करेगा, और इतना अटैक करेगा कि OH है तो सारे पोजीशन पे Br लगा देगा, सारे पोजीशन पे Br लगा देगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मान लो आपको सिंगल ब्रोमिनेशन कराना है, मोनो सब्सटीट्यूशन कराना है, तो आप इसमें ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CH2 या फिर CHCl3 इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो फेनॉल है, फेनॉल के ऊपर मोनो ब्रोमिनेशन आप करा सकते हो। ये सब आप हेलोजिनेशन पढ़ रहे हो, किसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के अंदर हेलोजिनेशन। उसके बाद मान लो NH3 है यहाँ पे, तो इसको आप ब्रोमीन वाटर से ऐड कराओगे, तो NH3 का भी इलेक्ट्रॉन जो है ये रिंग में जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, रिंग की एक्टिविटी बढ़ाएगा, तो ये NH3 के ऊपर जब आप ब्रोमीन का मतलब हेलोजन जैसे कि ब्रोमीन का एडिशन कराओगे, तो ये भी सारे पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड कर देगा, ठीक। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मोनो ब्रोमिनेशन कराना है, तो CH3CO2 इसको आप पिरिडीन के प्रेजेंस में इसको आप रिएक्शन कराओगे, तो ये जो NH3 ग्रुप है बेंजीन के ऊपर अमीन वाला ग्रुप है, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा NHCOCH3 में, ठीक, NHCOCH3 में। अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर पूरे के पूरे रिंग में जाकर रिंगों को एक्टिवेट कर रहे थे, अब ये लोन पेयर आपका इधर रेजोनेंस में चले जाएंगे, तो रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो आप इस पे बेंजीन के ऊपर NHCOCH3 है, आप इस पे बेंजीन के ऊपर जब अब इसका ब्रोमिनेशन कराओगे, तो इसका आराम से पैरा पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि जैसे कि ब्रोमीन है, ठीक है, जैसे कि फेनॉल है, ये OH ग्रुप है, ये आपका क्या है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो देखो आर्थो और पैरा पे एडिशन करा रहा है, आर्थो पे एडिशन करा रहा है, इसका पैरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो NH3 है ये यहाँ पे पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरा पे ब्रोमीन को ऐड कर देगा। बाकी इस ग्रुप को आप यदि तुरंत हाइड्रोलाइज करते हो, वाटर डालते हो, H3O+ ऐड कर दो, तो ये वापस से यहाँ पे NH2 बना देगा, और आपने पैरा पे ब्रोमीन लगा ही लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने एनिसोल का रिएक्शन लिया था बेंजीन के ऊपर OCH3, ठीक है, तो ये भी आपका बेंजीन के ऊपर जो OCH3 है, ये भी आपका पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये भी बेंजीन के ऊपर, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया था कि जो बेंजीन के ऊपर OCH3 है, इस पर ब्रोमीन वाटर का एडिशन हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, हालांकि ये मत लिखो कि नहीं होगा, तो ये सिलेबस में नहीं दिया है। बाकी एनिसोल के ऊपर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड करके रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये मोनोब्रोमिनेशन कराता है, ठीक है, ये मोनोब्रोमिनेशन कराता है, आर्थो पैरा डायरेक्टर तो ये है ही। इसके बाद नाइट्रेशन की बात करें, तो NCERT में कहीं तो ये लाइन लिखी हुई है जो सबसे छूटती है कि नाइट्रेशन 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, ठीक है, जैसे आपका डाई एजोटाइजेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तो वो टेम्परेचर याद रखना जरूरी है। इसके अलावा जब आप बेंजीन के ऊपर कंसनट्रेटेड HNO3H2SO4 यूज करोगे, ठीक है, अब ये सारे रिएक्शन ना आप वहाँ पे देख लेना, मैंने जो सिमिलर लुकिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के ढेर सारे रिएक्शन वहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ बेंजीन पे आप नाइट्रेशन करोगे, तो नाइट्रेशन इसका आराम से हो जाएगा कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, अब आप इसका नाइट्रेशन करोगे, तो ये आर्थो पैरा पे एडिशन कराएगा, तो आर्थो पे एडिशन कराएगा NO2 का, पैरा पे एडिशन कराएगा NO2 का, ठीक है, प्लस इसका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन के ऊपर OH लगा है, तो ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये भी यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH लगा रहेगा, और ये अपने आर्थो, इसका आर्थो ये है, इसका पैरा ये है, ये पैरा है, ये दोनों आर्थो है, ठीक है, और ये मेटा है, ठीक। अरे यार बेंजीन पे ये पता है ना कि मान लो ये बेंजीन पे कोई ग्रुप यदि यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है, और ये मेटा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH भी अपना आर्थो पैरा पे एडिशन कराएगा, तो मान लो यहाँ पे ये
NO2 ऐड कराएगा डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में और ये पैरा प्रोडक्ट भी इसका बनेगा। एनिसोल है तो ये भी HNO3H2SO4 के प्रेजेंस में आपका आर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, ठीक है। OCS3 यहाँ लगा रहेगा, उसके आर्थो पैरा पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि ये आपका NH2 है तो ये भी आपका कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 यदि आप यूज करते हो, यहाँ पे NH2 लगा है, तो ये भी आपका कौन सा प्रोडक्ट दे देगा, आर्थो या पैरा प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन यदि इसमें आप हल्का सा डाइल्यूशन यदि आपको इसको मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, तो ये NH2 जो है एनिलिनियम आयन में ये NH2 NH3 प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये जो बनता है ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो जब आप इससे करते हो तो यहाँ पे आपको 47% मेटा प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। 47% मेटा प्रोडक्ट मिल जाता है, मेटा पे भी NO2 आपका लग सकता है, ठीक, मेटा पे भी लग सकता है, ठीक है। बाकी एल्डिहाइड, ये जो आपका एल्डिहाइड है एसिड है, ये आपके कौन से हैं, एल्डिहाइड एसिड ये सब मेटा है। तो बेंजीन के ऊपर मान लो यदि आपका CHO है तो ये अपने मेटा पोजीशन पे NO2 का ऐड कराएगा, ठीक है, NO2 का एडिशन कराएगा। ये भी है तो मान लो ये भी COOH है तो ये अपने मेटा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पे NO2 का एडिशन कराएगा, ठीक। ऐसे ही आपका सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन में भी देख लेना, सल्फोनेशन में SO3H ऐड होगा, ठीक, इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, इसमें क्लोरीन के आर्थो पैरा पे ऐड होगा, इसमें आर्थो पैरा मतलब कि यहाँ ये आर्थो पे और पैरा पे यहाँ ऐड होगा, ठीक है। फेनॉल है, ये भी अपने आर्थो और पैरा पे SO3H का एडिशन कराएगा, ठीक है। इसके बाद NH2 है तो ये भी क्या करेगा, ये अपने जैसे कि मान लो आप इसमें H2SO4 लेते हो, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो NH2 है तो जब आप इसमें H2SO4 यूज करते हो तो ये क्या एसिड है और NH2 क्या है, ये बेस है, ये एसिड है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है और ये NH3 प्लस और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, NH3 प्लस और HSO4 माइनस, ठीक। और ये इंटरमीडिएट बनता है और जब आप इसको हीट करते हो 200 डिग्री सेल्सियस पे, जब आप इसको हीट करते हो तो आपको बेंजीन के ऊपर NH2 और SO3H यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में यहाँ पे SO3 पहले नहीं ऐड हुआ, वो यहीं पे ऐड हुआ इंटरमीडिएट में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसको प्रोसीड करोगे तो बेंजीन के ऊपर NH3 और SO3 माइनस ये इसमें इंटर कन्वर्टेबल होगा, ठीक। क्या ये आयन के फॉर्म में है, तो ये मान लो जैसे कि वो ज्यूटर आयन टाइप का बन जाएगा ना, ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में बन सकता है। इसके अलावा जैसे कि आपका भाई फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन है, वीडियो बहुत बड़ी बनती जा रही है, जैसे कि आपका फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन है तो बेंजीन के ऊपर CH3Cl के फॉर्म में कौन सा आएगा, CH3 प्लस आएगा, और एसाइलेशन कराओगे तो CH3C(OO) इसके फॉर्म में आएगा, इसके पास ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक, पार्शियल चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बेंजीन पे ऐड कराओगे तो यहाँ पे CH3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CuCH3 ऐड हो जाएगा, ठीक। ऐसे जब आप क्लोरीन के केस में कराओगे तो यहाँ पे CH3 पहले वाले केस में आर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 ऐड होगा, और दूसरे वाले केस में आर्थो और पैरा पोजीशन पे COCH3 ऐड होगा, ठीक है। ऐसे ही आप फिनॉल में कराओगे तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, CH3 आर्थो पे और पैरा पे ऐड होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जब अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू किया तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया कि पहले तो एल्केन का सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद ये रिंग पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत मैंने ये बताया, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, एल्काइल हैलाइड देते हैं, एराइल हैलाइड नहीं देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड NSR देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ESR काफी बड़ा टॉपिक है, ESR हर जगह दिया है, तो ESR में आपको ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर्स भी पता होने चाहिए और क्या कैसे प्रोसीड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है, जैसे नाइट्रेशन में NO2 प्लस आता है, सल्फोनेशन में SO3 डायरेक्ट आता है, SO3 प्लस नहीं आता है, ठीक, और एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन आएगा, एसाइलेशन में डायरेक्ट CO, RCO, RC डबल बॉन्ड O वो आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सब हो गई इलेक्ट्रोफिलिक। फिर ESR में आप लोगों ने देखा कौन कौन सा, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन आपके पूरे सिलेबस का, आपके पूरे सिलेबस का सल्फोनेशन, आपके पूरे सिलेबस का फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ईथर के प्रिपरेशन पढ़ने हैं, ठीक है। आपके ईथर के प्रिपरेशन में ये जो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है और जो विलियमसन सिंथेसिस है, ये दोनों SN2 के थ्रू प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप जब एसिडिक, अभी मैं चलता हूँ बुक पे जल्दी से, कि जब आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है तो पहले तो वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दिया, फिर उसके बाद जब आपका ईथर का यहाँ पे कहानी शुरू होता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये भी SN2 के थ्रू प्रोसीड करता है और सब्स्टिट्यूशन लिखा होगा यहाँ पे कि इट प्रोसीड थ्रू, नहीं लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोसीड करता है। और जो आपका विलियमसन सिंथेसिस होता है ये भी आपका
SN2 के थ्रू प्रोसीड करता है। इसीलिए जब आप इनके मैकेनिज्म्स पढ़ते हो थोड़े थोड़े, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि इसमें भी पहले वाले में भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि SN1 पाथवे को फॉलो करता है। ये मैं अभी वीडियो काफ़ी लेंथ हो गई है, तो यदि आप कहोगे तो अगले वीडियो में ये सब सब्स्टिट्यूशन को कवर कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस में ये बताता है कि SN2 के थ्रू अटैक होता है, इसीलिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से सिर्फ बना पाते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड से हम नहीं बना पाते हैं, नहीं कर सकते विलियमसन सिंथेसिस। सेकेंडरी टर्सरी या फिर उससे ज़्यादा यदि हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है, उससे ज़्यादा हिंडर्ड यदि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो उस पर हम नहीं कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है कि जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, और ये टर्सरी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, अल्कोहल हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जब भी इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर यदि समझाऊँ कि CCCONA और CH3Br, ठीक है, और एक ये हो गया CCCCBr और CH3ONA, मतलब ONA मतलब OH है, CH3OH है, जो कि बेस के प्रेजेंस में एक ऑक्साइड आयन बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इससे आप पहले वाले से आप ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे अटैक करना है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, तो इससे आप ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका क्या बन जाएगा, CCCCO CH3, ठीक है, तो CH3 ये वाला CH3 है, ठीक है। लेकिन आप इससे इथर का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक कराने के लिए लाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इससे आप विलियमसन सिंथेसिस नहीं कर सकते हो। तो ये सब SN2 में आपको पढ़ना है, मतलब ये सब आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पढ़ना है ये, ठीक। उसके बाद इथर के प्रिपरेशन है, मैं बताना चाह रहा था। इसके बाद कपलिंग रिएक्शन, जो आपका डाइजोनियम साल्ट का जो कपलिंग रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें NCERT से कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी थी यार, इसीलिए आप लोग का जो रिक्वेस्ट काफ़ी पहले से था कि हमको सारे रिएक्शन को एक जगह पे कराइए, वो मैं नहीं करा पा रहा था जल्दी से, क्योंकि रिएक्शन कलेक्ट करने की काफ़ी ज़रूरत थी, ठीक है। तो जो आपका कपलिंग रिएक्शन है वो आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके अलावा गिब्रेल थैलामाइड में ये जो आपका यहाँ पे RX होता है, एल्काइल हैलाइड, इस पर भी अटैक होता है, इस पर भी एल्काइल हैलाइड आपका क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस पर भी आपका अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें भी आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही आप ले सकते हो, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आप ले सकते हो, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी लोगे तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो इस कार्बन पे आप अटैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन दिया हुआ है कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एंड एस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ये क्लोराइड एनहाइड्राइड और एस्टर के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था कि इन पे क्या आप करते हो, इन पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ही करते हो। जब आप एस्टरीफिकेशन वाला देखो, वहाँ पे मैंने एसिड क्लोराइड पहले वाले पार्ट में एसिड क्लोराइड लिया है, एनहाइड्राइड लिया है, इन सब में क्या है कि अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है किस पे, एसिड एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड पे। तो ये सारे आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, RCOCl है मान लो, और आपका RNH2 है, ठीक। अब आपको मैं बताऊं कि एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये क्लोरीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमीन है, ये जो NH2 है, ये अपना लोन पेयर लेके यहाँ जाएगा और इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये जो है, ये भी एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो बहुत हो गई बातें आपकी सारी की सारी इस वाले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जहाँ पर मैं स्टार्ट किया हूँ यहाँ से, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सब वगैरह शुरू हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आपको बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पूरा जितना सिलेबस में दिया है सब कवर हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मैं नीट 2025 के लिए जब पढ़ाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से कंटेंट और बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो जल्दीबाजी में मुझे बुक से चीज़ों को पढ़ पढ़ के कलेक्ट करना पड़ा, और यहाँ पे भी मेरे को मतलब ये प्रिपेयर करना पड़ता है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें जल्दीबाजी में करनी पड़ी। फिर भी वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये दोनों आप यदि देख ले रहे हो तो आपके काफ़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम में आपके रिएक्शंस कवर हो जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी मैंने ऑर्गेनिक में चीज़ें कराई हैं उससे बहुत चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं, ठीक है। तो सॉरी फॉर लेट, ठीक है। और अब क्या, अब एग्जाम आ गया है, और ऐसे ही चीज़ों को ऐसे रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेशन मत लो, अच्छे से करते रहो,
ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लोगे तो जान लो बहुत अच्छा कर जाओगे पेपर में, ठीक है। ड्रॉपर बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके टेस्ट में नंबर आते हैं, एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि वो एग्जाम के एक हफ्ते पहले, एग्जाम से 4 दिन पहले, एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से 1 दिन पहले इतना पैनिक कर जाते हैं, इतना पैनिक कर जाते हैं कि उनको घबराहट में भयानक सिली मिस्टेक, बबलिंग में मिस्टेक खूब करते हैं। एक वीडियो अभी मैं बनाऊंगा ड्रॉपर वालों, तुम लोग को क्या करना है, अब कल परसों, कल अपलोड कर दूंगा 2-3 तारीख तक, ठीक। सब लोग देख लेना अच्छे से और अच्छे से रिलैक्स रहो, चिल रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें करानी थी, मैंने करा दी, थैंक यू।